प्रधानमंत्री का आगमन हुआ और साथ ही आमंत्रित व्यक्ति, और ये है वो ऐतिहासिक क्षण। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हम हर 15 अगस्त को यहाँ पे एकत्रित होते हैं। यह कोई उत्सव नहीं है, हम जमा होते हैं उन बहादुरों की याद में जिन्होंने आज़ादी की लंबी लड़ाई में अनेक कष्ट उठाए, जीवन दान भी दिया। यह आंदोलन बहुत बहुत बरसों का है और जितना आजकल के लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए वो बड़े भूल गए हैं और युवा पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम हैं महापुरुषों के और महिलाओं के कि उनका वर्णन हम यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ लेती हूँ, केवल ये मिसाल देने के कैसे भारत के हर कोने से हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे। तिलक, दादा भाई नौरोजी, दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, तैयब जी साहब, अनेक ऐसे तो एक पुश्त के लोग थे। फिर आए भारत में लौटे महात्मा गांधी और आज़ादी के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया जिसमें केवल बुद्धिजीवी और बड़े बड़े लोग नहीं, लेकिन सारे देश के किसान, मजदूर, युवा पीढ़ी और सभी लोग उसमें साथ हुए। हम क्यों इस लाल किले पे आज झंडा चढ़ाते हैं? ये कोई आज़ादी का प्रतीक नहीं है, पुराने ज़माने का प्रतीक है, लेकिन नेताजी सुभाष बोस ने नारा दिया कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो लाल किले पे तिरंगे को हम उड़ाएंगे। ये कारण है कि पहले 15 अगस्त को यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये झंडा फहराया और तब से हर प्रधानमंत्री इस कर्तव्य का पालन करते हैं। झंडा फहराया गया उसके पहले इस लाल किले में 3 हमारे बहादुर गिरफ्तार थे। वो हमारे रास्ते से नहीं चल रहे थे, उनका कुछ दूसरा रास्ता था, लेकिन उन्होंने भी आज़ादी के चाह से, प्रेम से सब कुछ छोड़ने को, त्यागने को तैयार हो गए थे। वो भी शाहनवाज खां को तो दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक मुस्लिम, प्रेम सैगल और ढिलों, कोई हमने उनको नहीं चुना, कोई विदेशी हुकूमत ने उनको नहीं चुना,
लेकिन तब भी इत्तेफाक से तीन धर्मों के लोग वो थे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ घड़ी घड़ी कि हम समझें कि ये देश आज़ाद कैसे हुआ। आज़ाद हुआ क्योंकि सब धर्म के लोग, सब भाषा के लोग, सब प्रांत के लोग, सब जाति के लोग एक थे, एक ध्येय था, भारत को स्वतंत्रता मिलनी है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हमारे सामने कुछ दूसरे प्रश्न हैं। उस वक्त एक बड़ी चीज हमारे पास नहीं थी और उसके लिए लड़ना था। आज उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है और वो लड़ाई, वो चेष्टा, प्रयास उससे कुछ कम नहीं है। जो उस समय हमारे सामने बांधे आते थे, रुकावटें आती थीं, खतरे थे, धमकी दी जाती थी, वो सब चीज़ें दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से हमारे सामने, हमारे चारों तरफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं खतरे की बात करती हूँ तो लोगों का देश के भीतर के प्रश्नों से ध्यान भटकाना चाहती हूँ। इससे बड़ी गलत फहमी हो नहीं सकती है, क्योंकि देश के आज के जो कष्ट हैं, जो हर एक वर्ग के कठिनाइयाँ हैं, अगर उनसे हम परिचित नहीं रहते हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो हम देश को कैसे मजबूत रख सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है, चिंता भी है। दुख है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, कुछ कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है, धर्म के नाम से। लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि जो कौमी दंगे होते हैं, जिनमें बहुत से मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, माल नष्ट होता है, उनकी कौमी शक्ल ज़रूर है लेकिन उसमें राजनीति भी होती है, उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं। कुछ मन का छोटापन और कमीनापन भी आ जाता है कभी कभी। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इन जगह कौमी दंगे हुए हैं, दूसरे हाथ से दूसरे भी प्रांतों में हुए हैं। जहाँ भी किसी को दुख है, वो उनका न व्यक्ति का, न परिवार का, न उस कौम का दुख है, वो सारे भारत का दुख है, वो सारे भारत के ऊपर एक कलंक है। और हम सबका कर्तव्य है कि इन चीज़ों को हम अपने देश में से जड़ से उखाड़ के निकालें। मतभेद तो होते हैं, और ख़ास तौर से जो लोकतांत्रिक परंपरा हमने अपनाई है उसमें और भी जगह मतभेद के हैं, लेकिन इसके माने नहीं कि हम उनके ऊपर नहीं उठ सकें। राजनीति, पार्टीबाजी या जो दूसरे एक दूसरे के बीच में अंतर हैं, उनसे ऊपर उठना है एक ध्येय के लिए कि इस देश को एक रखें। क्योंकि अगर एक नहीं रह सकते, अगर देश मजबूत नहीं रह सकता, तो फिर मतभेद कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे हम, किससे दोस्ती करेंगे, जब कोई है ही नहीं, जब देश गिर जाएगा तो बहनों और भाइयों हम सब उसके संग गिरेंगे, कोई नहीं बच सकता है। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं,
सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आर्थिक न्याय के लिए। एक पड़ाव पूरा हुआ, दूसरी अभी चल रहा है। रास्ता लंबा कठिन और दुश्मन जैसे पहले साफ सामने दिखाई देता था, आज वो छुपे हुए दुश्मन। कुछ तो सच में दुश्मन हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बिना सोचे गुमराह हो जाते हैं दूसरे कुछ थोड़े से लोगों की बातों से। सबके दिल में इस वक्त पंजाब का ख्याल है। मैं पंजाब की कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ आपको, अनेक बार बोल चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि गलत प्रचार हो रहा है तो दो शब्द मैं कहूँगी। आज बहुत से लोग इस सम्मेलन में शामिल हैं जो यहाँ हमको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस अरसे में पिछले दफ़े जब मैं आपसे बोली तब से टीवी और रेडियो के अंतर्गत दूर दूर के गांव आ गए हैं। बिजली ज़्यादा फैली है, पीने का पानी और जगह पहुंचा है, हर प्रकार की मदद गरीबों के करने की कोशिश की गई है। डॉक्टरी सहायता, शिक्षा, लेकिन इन चीज़ों पे मैं फिर से बात करूँगी। अभी मैं कहना चाहती हूँ कि जो आंदोलन चलते हैं चाहे एक प्रांत या दूसरे प्रांत में, वो किसी भी ख्याल से आरंभ हों, उनमें दूसरे तबके घुस जाते हैं जिनकी मांगे नहीं होती हैं या दूसरी मांगे होती हैं, और जो उस आंदोलन को अपना ही मोड़ देते हैं, हिंसा, कत्ल, जलाना, हर प्रकार की इस बुराई उसमें लाते हैं। जो आंदोलन चलाने वाले होते हैं वो उनके काबू से वो हट जाता है। यही पंजाब में हुआ। कुछ प्रचार हो रहा है, ख़ास तौर से बाहरी अखबारों में और टीवी पर मैंने देखा कि जैसे कि हमने मांगों पर कभी बात ही नहीं की। आप सबको मालूम है कि कितनी लंबी बातचीत हुई, कितने थोड़े से चीज़ों पर रुकावट थी। हमारी नीति चाहे देश के भीतर चाहे देश के बाहर हमेशा ये रही है, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, मौलाना आज़ाद की सिखाई हुई नीति, कि जहाँ तक बन सके समझौता करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, हमारे तरफ से लड़ाई नहीं। शुरू से ही जिसकी ज़रा भी कोई मांग होती है, चाहे वो मेरा साथी हो चाहे मेरा विरोधी हो, मैंने हमेशा वो मांग सुनी है, उनसे मिली हूँ और यथाशक्ति पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी शक्ति भी सीमित है, साधन सीमित हैं, रुपए सीमित हैं, उसके अंतर्गत ही हम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कभी कभी ऐसी मांगें होती हैं जो कुछ लोगों को पसंद हैं और दूसरों को क्रोधित कर सकती हैं, दूसरे प्रांत में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सोच समझ के चलना है। और जो मांग करते हैं चाहे वो प्रांतीयता के नाम से हो या धर्म या भाषा या कोई और कारण, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अपने कष्ट के तरफ तो ज़रूर देखें, लेकिन अपने चारों तरफ भी देखें कि उनकी मांगों की पूरा करने से दूसरों को कष्ट तो नहीं होगा, क्या भारत पर आर्थिक या दूसरा ऐसा बोझ तो नहीं पड़ेगा जिससे भारत
कमजोर हो या उस बोझ से दब सके, क्योंकि ऐसे अगर आर्थिक कष्ट आता है हमारे ऊपर तो उन पर भी आएगा। हमने अपनी योजना के अंदर सबका ध्यान दिया है और हमारी कोशिश है कि सब वर्गों का, सब प्रांतों की उससे सहायता हो, प्रगति हो, विकास के काम आगे बढ़ें। इस वक्त केंद्र और राज्यों के बीच का क्या रिश्ता है उस पर चर्चा चल रही है और हमने भी कहा है कि इस पे बात हो सकती है और हमें विश्वास है कि सच्चे दिल से करें तो आसानी से समझौता भी हो सकता है। 1960 और 61 में जहां 500 करोड़ की धनराशि का तबादला हो रहा था केंद्र से राज्यों को, वहां आज 12,000 करोड़ हो रहा है। कितनी रकम बढ़ी है, लेकिन न राज्य संतुष्ट हैं और न ही हमारे केंद्र के मंत्रालय संतुष्ट। सब कहते हैं कि हमको कम मिल रहा है। ठीक है, जितनी जरूरत है उससे कम है, लेकिन किस देश में, धनी से धनी देश हो, किस देश में आप देखेंगे कि सबकी मांगें पूरी तौर से संपूर्ण पूरी हो रही हैं। मांगे तो हमेशा रहेंगी और बढ़ेंगी। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज़्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगे पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमज़ोर हैं किसी कारण, उनकी मांगे पीछे न हट जाएं, कहीं उनकी कमज़ोरी न बढ़ जाए, क्योंकि वो जो भारत के गरीब हैं वो मजबूत होंगे तो सारा देश मजबूत होगा। तभी जो आज संपन्न है वो और अपनी ताकत भी बढ़ा सकेंगे। और मेरी तो आशा है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं बढ़ाएंगे, देश की भलाई के लिए, अपने से कमज़ोर की मदद करने के लिए, देश को हर दिशा में आगे ले जाने के लिए। इसीलिए हमारा जोर सारा रहा है कि कमज़ोर तबकों की ज़्यादा सहायता की जाए। 20 सूत्री कार्यक्रम का यही ध्येय था और उसके अंतर्गत 1.5 करोड़ परिवारों को अपना जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचे करने में मदद की गई है। 1.5 करोड़ तो बहुत से देशों की तमाम आबादी से भी ज़्यादा है, लेकिन जहां 70 करोड़ हैं उसमें तो वो कम पड़ता है। कोई जादू नहीं है जिससे ये 70 करोड़ तक हम जल्दी में पहुंच सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, उसमें नौकरी का भी प्रबंध हुआ है और वो बेरोजगार हमारे देहात के हों या शिक्षित दूसरे हों नौजवान, उस कार्यक्रम में भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। ऋण देने में और कार्यक्रमों में भी सफलता प्राप्त हुई। मुझे मालूम है कि कमियां भी हैं, मुझे मालूम है कि लोगों ने गलतियां की और लोगों ने आके मुझके शिकायत भी की। आपको आश्चर्य होगा, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं या पहले दफ़े सुन रहे हैं, के सिवा छुट्टी के दिनों को छोड़ के जब भी मैं दिल्ली में होती हूँ तो कभी कुछ 100 और कभी कुछ 1,000 लोग मुझे रोज़ सुबह मिलने आते हैं, हर तबके के, हर धर्म के, भारत के हर कोने से। कोई केवल कहते हैं हम तो दर्शन करने आए हैं, कोई अपना दुख बताते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई उन्नति की प्रशंसा भी करते हैं। तो मुझे इससे बहुत से बाहर के लोगों ने कहा कि क्या आपका समय नष्ट नहीं होता है इतने लोगों से मिलने का, दूसरे देश के तो कोई नेता मिलते नहीं है। लेकिन मैंने कहा इससे भारत का चित्र क्या है,
छवि क्या है, लोगों के मन की बात क्या है, वो मेरे सामने आती है और इसमें समय कभी नष्ट नहीं हो सकता। सबसे ज़रूरी काम यही है। हमने सिंचाई के काम को तो बहुत बढ़ाया है। हमारे कुछ किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जितना हमने इन पिछले 4 वर्षों में किसानों के लिए किया, उतना पहले शायद कभी भी नहीं हुआ। वैसे उनके तरफ ध्यान तो आज़ादी के आंदोलन में तो थे ही, वो हमारे एक जड़ समझिए आंदोलन के, उसके बाद भी हर समय उनके तरफ ध्यान था, वो हमारे अन्नदाता हैं। मुझे मालूम है कि जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं उसके दाम बढ़े हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि उनकी सहायता करें, और की भी है। रासायनिक खाद को हम 800 करोड़ की सब्सिडी, यानी जो दाम है, जो होने चाहिए दाम, उससे कम उनसे ले रहे हैं, 800 करोड़ तक। गरीब देश के लिए आसान नहीं है। इसी प्रकार से जो वो पैदा करते हैं उसकी कीमत भी पहले से काफ़ी बढ़ी है, लेकिन ये सच है कि जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है उसमें कुछ कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ बढ़ी हैं, दूसरे देशों में बढ़ी हैं। ये भी सच है कि जैसे जैसे उन्नति और प्रगति होती है वैसे मांगें भी बढ़ती हैं। जो लोग 2-3 साल पहले ट्रैक्टर का सोचते भी नहीं थे, थ्रेशर का सोचते भी नहीं थे, इतनी खाद का उपयोग या कीड़े मारने की दवा का उपयोग ही नहीं करते थे, आज वो मांग बढ़ी है। और जितनी मांग बढ़ती है उतनी पैदावार नहीं बढ़ती है, इसलिए दाम बढ़ते हैं। तो हमको इन सब बातों को संग लेके सोचना है। जितना हम उन पर निर्भर हैं उतना वो भी निर्भर हैं कारखाने से क्या पैदा हो उस पर। तो मजदूरों के तरफ भी ध्यान देना है कि उनको न्याय मिले। कभी हमारा दोष होता है, कभी मिल मालिक का दोष होता है, और कभी मजदूर स्वयं, क्योंकि एक यूनिट में या एक कारखाने में बहुत से यूनियन हों और एक दूसरे का मुकाबला करें, लड़ाई करें, उसमें भी समय भी जाता है, उत्पादन को भी उसमें हानि होती है। इन चीज़ों के तरफ हमको ध्यान देना है। और अगर हर एक तबका अपने प्रश्न को बड़े भारत के चित्र के अंतर्गत देखे तो वो देखेगा कि केवल उसकी कठिनाई नहीं है, किसानों की कठिनाई है तो मजदूरों की कठिनाई है, तो गृहिणी की कठिनाई है, महिलाओं को जिनको सस्ते से सस्ते में कोशिश करनी है अपना घर चलाने में इस महंगाई के ज़माने में। ये महंगाई के शिकार केवल भारत के लोग नहीं हैं, सारी दुनिया में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु हैं वो लोगों तक पहुँचें, और इसमें जो राशन प्रणाली है उसकी सहायता में अनाज के वितरण करने में, दूर दूर पहुंचाने में 850 करोड़ खर्चे किए जा रहे हैं, और हर कोशिश है कि बढ़े। अगर कोई बीच में बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, लेकिन वो उसी समय पता होना चाहिए किसने किया और कहाँ किया। अगर सब कहेंगे कि नहीं ये सब करते हैं तो कार्रवाई करनी मुश्किल हो जाती है। ये तो जो वहाँ के रहने वाले हैं, स्थायी लोग, उनको इस पे सतर्क रहना है।
जो अत्याचार होते हैं, चाहे हरिजन पर हों, चाहे अल्पसंख्या के लोगों पे हों, चाहे महिलाओं पे हों, जो पड़ोस के लोग सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो तभी इनका कोई रास्ता निकलेगा। हमारी तरफ से तो कानून और मजबूत करने की पूरी चेष्टा है। जो नहीं भी मांग करता है, हम उस मांग को भी सोचते हैं कि ये कठिनाई उठ सकती है, इसके लिए हम अभी क्या करें। तो ये ज़माना है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पैर पे खड़े हों, हमारा नारा है कि राष्ट्र आत्मनिर्भर हो, लेकिन राष्ट्र के माने क्या हैं? कोई ज़मीन नहीं, लेकिन आप में से प्रत्येक नागरिक, चाहे कहीं भी रहते हैं, आप में आत्मनिर्भरता जहाँ तक हो सके वो आए, ये हमारी चेष्टा है। और उसके संग एक जिम्मेदारी जाती है, जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्तव्य का भी पालन करें, आप देखें कि हिंसा न हो, आप देखें कि जो पवित्र स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो हिंसा के लिए के अड्डे न बन जाएं, अस्त्र जमा करने के अड्डे न बन जाएं, बुरे काम के अड्डे न बन जाएं। आपका कर्तव्य है कि सांप्रदायिकता का नारा नहीं उठे, और जहां उठता है आप स्वयं जाइए, जैसे आज़ादी के ज़माने में हमारे कार्यकर्ता जाते थे और लोगों को शांत करते थे, और वो जो उनका गुस्सा उठता था उसको कम करने की कोशिश करते थे। क्योंकि हमने करके देखा है, हमको मालूम है कि ये हो सकता है। क्योंकि भारत ने बड़े बड़े काम उठाए हैं, इसलिए हमको विश्वास है कि आगे और बड़े काम हम कर सकते हैं। खतरे देश के भीतर हमेशा ही रहते हैं। जहाँ इतनी विविधता है, इतने धर्म, भाषा, इतने नियम और रसम, वहाँ कुछ न कुछ तो एक दूसरे से मुकाबला चलता ही है। लेकिन हमने हमेशा ये सोचा कि ये विविधता कमज़ोरी के निशान नहीं है, ये एक समृद्धि की निशानी है। ये भारत को एक और सुंदर बनाता है, हमारे समाज को सुंदर बनाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी के धर्म पर आँच लगे या किसी की परंपरा पे कोई आँच लगे। सब अपने रास्ते पे चले, लेकिन वो सब रास्ते मिलने चाहिए। जैसे नदियाँ सागर में जाती हैं, वैसे भारतीयता के सागर में ये सब अलग अलग परंपराएं, अलग अलग नियम और रस्म मिले, जिसमें हम सब को फख्र से कहें कि हम भारतीय हैं। हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे अच्छी तरह से, बहुत से लोग धर्म में नहीं मानते हैं, इसलिए उनको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जिन जो धार्मिक लोग हैं अपने धर्म का पालन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नागरिक बन सकते हैं। किसी धर्म में ये नहीं है कि लड़ाई करें। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई है, और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। अभी भी समाज नया हो रहा है, अभी भी अपनी पुरानी परंपरा को रख के हम आधुनिकता के तरफ जा रहे हैं, और यही एक कारण है कि हमारे देश में भी कष्ट बढ़ा और बाहर से भी दबाव और कष्ट हमारे ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जीवन दुख और सुख का मिश्रण होता है। आप में से प्रत्येक, चाहे छोटा बच्चा भी हो या अनुभवी लोग भी हों, सब ने इसको देखा होगा अपने अपने जीवन में। हम उस दुख से, कष्ट से दब सकते हैं या उसके ऊपर उठ सकते हैं।
ये हमारे हाथ में है, इसमें सरकार मदद नहीं कर सकती, कोई राजनीतिक दल मदद नहीं कर सकता। ये तो हमारा अपना मनोबल कितना है, अपनी अंदरूनी शक्ति कितनी है, इस पे निर्भर। और आज जो स्वतंत्रता दिवस है, इस पे हम सबको ध्यान देना है। इन 4 सालों में आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि हर साल कोई ना कोई काम ऐसा हुआ है जिससे भारत की प्रतिष्ठा बाहर के देशों में बढ़ी है और हमारे दिलों में बढ़ी है। हमने उसका वो लाभ नहीं उठाया जो दूसरे देश उठाते हैं। हमने माने मैंने या सरकार ने नहीं, भारत के लोगों ने उसका वो उपयोग नहीं किया कि उससे एकता और मजबूत हो और राष्ट्र गौरव बढ़े, जो सब देश करते हैं। ये कुछ हमारी कमी रह गई। यहाँ जब एशियाड के खेल हुए तो दिल्ली वालों को मुझे मालूम है कितनी खुशी हुई। विरोधी दल के भी नौजवान मेरे पास आए कि चाहे और बातों में हम आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमें खुशी है। लेकिन प्रचार क्या हुआ कि कितना रुपया जाया हुआ है, क्या फायदा था इसका। अभी हाल में आपने देखा कि दूसरे देश ने किस दूसरे भावना से ऐसी चीज प्रकट की। तो हमको तो देखना है कि हर मौके से, ये नहीं कि एक पार्टी मजबूत होती है कि नहीं, सारा देश हर मौके को कैसे ले सकता है एकता बढ़ाने के लिए, देश की शक्ति, देश का मनोबल, देश का सब अभिमान बना बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ये है सबसे बड़ा काम। अब हमारे ऊपर एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है, देश की तो है ही है, लेकिन कुछ बाहर के देशों का भी, लोग तो उसको नेतृत्व कहते हैं, मुझे नेतृत्व का, नेता होने का शौक नहीं। हम तो कहते हैं कि हमें मौका मिला है कि इतने 101 देशों को अपने का की सेवा करें हम किसी तरह से। लेकिन ये कहना पड़ता है कि हमारे ही बीच में भी मतभेद हैं, कुछ देशों में लड़ाई हो रही है और उसको हम रोक नहीं पाए, लेकिन कोशिश में हम लगे हैं, जैसे ईरान और इराक के बीच में। वहाँ के नेताओं से हर समय संबंध खत किताबत है, दूसरे नेताओं से है कि क्या हो सकता है। बहुत से लोग यहाँ आए, हमारे अफसरान और मिनिस्टरान इन देशों में और दूसरे देशों में इस विषय पर गए और पूरी कोशिश हमारी जारी है। और भी देश हैं जहाँ झगड़े हैं। हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठ गया। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका। ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। पाकिस्तान में बहुत वर्ष पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो। और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। अब जाके कुछ साल पहले, अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हथियार मिले, उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में
कि ऐसा समझौता होना चाहिए। हमें इस समझौते से कोई विरोध नहीं है हमारा, इससे हम तो स्वयं चाहते हैं, लेकिन हमने एक बात कही कि अभी तक आप इसको ठुकराते रहे, अब आप उठा रहे हैं इसको, तो क्या इसके लिए एक वातावरण नहीं अच्छा नहीं बनाना चाहिए, और उसके लिए क्या हम एक समझौता नहीं कर सकते हैं दोस्ती का, सहयोग का और शांति का। अगर ये समझौता हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि लड़ाई होएगी नहीं। वैसे तो ये सब बातें शिमला समझौते में आ गई थीं, लिखित हैं, दोनों देशों के दस्तखत हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते उस समझौते को तो एक इस प्रकार का नया समझौता हो सकता। लेकिन कहना कि हम दोस्ती, सहयोग और शांति का समझौता नहीं करेंगे लेकिन हम ये समझौता करेंगे कि लड़ाई ना हो, तो मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि ये चीज़ में कैसे चल सकती है, इसको गहराई से कैसे ले सकती है। लेकिन हम कोशिश में लगे हैं अभी भी कैसा हो। हमें दुख है कि वहाँ के टीवी में, वहाँ के समाचार पत्रों में अभी भी भारत के बारे में जो कहा जाता है वो सच्चाई से बहुत दूर, जिसको कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में दखल हो रही है। लेकिन हम बहुत सभ्यता से, दोस्ती के शब्दों से उनसे बात करते जा रहे हैं, लेकिन भारत की क्या इज्जत है, भारत का क्या हित है, उसको कोई भी सरकार अलग कर सकता है? श्रीलंका की स्थिति तो बहुत गंभीर है, और सबसे दुख आज जो मेरा दिल रोने से भरा है वो उन लोगों के लिए, निर्दोष लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन पे इतना हमला हो रहा है। वहाँ भी उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, और जाहिर है किसी भी सरकार को उनका सामना करना है। लेकिन जिस प्रकार से एक कौम पर हमला हो रहा है कई वर्षों से, उससे वहाँ शांति नहीं आई है, वहाँ की स्थिति और बिगड़ती गई। हम दखल नहीं देना चाहते, हम दूसरी देश की एकता में किसी प्रकार का बाधा नहीं डालना चाहते, हमारे हित में भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश स्थिर रहें, मजबूत रहें, हमसे दोस्त रहें। तो दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया और कहा कि अगर हम मदद कर सकते हैं कि आपकी बातचीत हो सके और कुछ निर्णय निकल सके जो सबको स्वीकार हो, तो वो आपके लिए भी लाभदायक होगा और हम संकट से बचेंगे। हमारा संकट क्या है कि दुख तो सारे भारत का है, लेकिन जो हमारे तमिल लोग हैं उनका दुख और कष्ट कुछ ज़्यादा ही है। 40,000 शरणार्थी वहाँ पे आ बसे हैं। अब उनके बीच दूसरे लोग भी आ सकते हैं, जासूस भी आ सकते हैं, बाहर के लोग आ सकते हैं, हमको नहीं मालूम क्या ना। Thank you.